हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सभी को अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सो गाइस, मैं अभी उठ चुकी हूँ, अभी नहा के आई हूँ। तो आज हमने करना है कंजक पूजन, तो आपको मैं दिखाती हूँ क्या क्या किया है मैंने। सो मिलती हूँ आपसे सब कुछ करने के बाद, और साथ साथ में दिखाती रहूँगी कैसे कैसे तैयारी की है मैंने कंजक पूजन। गाइस, सबसे पहले तो मैंने जोत जगा ली है, आप मेरे मंदिर की डेकोरेशन देख सकते हो। जोत हो गई है डन, और इसके बाद मैं बनाऊंगी सब कुछ, हलवा पूड़ी वगैरह और चने वगैरह। नारियल भी तोड़ना है, तो करती हूँ सब कुछ साथ साथ में, आपको भी दिखाती जाऊंगी। सो ये सारा सामान मैंने रात को ही निकाल के रख दिया था, मोली वगैरह, तिलक वगैरह, घी वगैरह। और यहाँ मैंने रख दिया है सूजी, बादाम भिगो के रख दिए थे, चीनी भी और किशमिश भी और सूखा खोपा भी, और ये सब हलवे की तैयारी की। और ये डब्बियाँ मैंने भैया से मंगवा ली थी, इस बार मैं मार्केट नहीं गई और कंजकों को देने के लिए। इसमें रिफाइंड भी निकाल के रख लिया और यहाँ आटा भी छान के रख लिया था। डब्बियाँ सारी धो के रख ली थी, और यहाँ बन रहा है हलवा। किशमिश भी गो दी है और बादाम छील कर कट कर लिए हैं, और एक साइड में चने उबलने के लिए रख दिए हैं। और गाइस, यहाँ बनकर रेडी हो गया है मेरा हलवा, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है। बाकी खा के बताऊँगी आपको कैसा है। यहाँ पर कंजक आ गई है, 6 कंजक आई हैं और 1 लोंकड़ा हनुमान जी, और मैं बनाने लगी हूँ साथ में गरम गरम पूड़ी, और फिर बिठाएंगे कंजक, फिर करेंगे पूजा। बाय भैया, उधर तक कटवा ले अंदर गेड़ा। इधर जाया बालकनी देखे आओ, सच्ची सच्ची अंदर। गाइस, अभी तो मैंने मिस्टर बजाज और भैया औरों को पूरी छोले खिलाए हैं और टिफ़न्स पैक किए हैं उनके, और इतने में कंजक और आ गई हैं। तो अभी बिठा के दिखाती हूँ आपको, मतलब साथ साथ दिखाती रहूँगी। आठवें दिन के देवे भगतों हैं गौरी मैया, शुंभुल शुंभुल चंडमुंड का जिसने वध किया, रक्त वीर्य के आतंक से माने मुक्ति दिलाई, वेद पुराणों ने भी आठवें दिन की महिमा गाई, दुर्गा मनसा चंडी माँ को कह के बुला, आठवें दिन गाइस कंजक बिठा ली है दूसरी। मुझे नहीं पता था कि दोबारा फिर आएंगी कंजक, सर पे पता नहीं क्या लग गया, तो मुझे नहीं पता था दोबारा कंजक आएंगी। मैंने कपड़े चेंज करने थे, क्योंकि मैंने सारा काम नाइट सूट में ही किया था नहा के, तो मैंने सोचा कपड़े चेंज करती हूँ। इतने में पहले भी कंजकें आ गई, और वैसे की वैसे ही मैंने बिठा दी, और अब दोबारा आ गई। मैंने कपड़े चेंज ही नहीं किए, ना ही कोई लिपस्टिक लगाई, ना ही मांग भरी, आज ऐसे ही कंजकें बिठा। तो गाइस, हुआ ये कि मैंने जो डब्बियाँ मंगवाई थी वो 12 डब्बियाँ थी, और कंजक पहले आई 6 कंजक और 1 लोंकड़ा, और अब दोबारा आई 7 कंजक और 1 लोंकड़ा। तो डब्बियाँ तो कम पड़ गई थी, तो जो भाई बहन थे उनको एक एक दे दी। 2 ऐसे थे, मतलब जहाँ 4 जानी थी वहाँ 2 गई,
तो ख़त्म हो गई थी, कम पड़ गई थी, तो फिर घर से एक दो डब्बी निकाल के दे दी। तो बाकी भैया फ्रूटी वगैरह लेके आए थे और पैसे वगैरह दे दिए, तो मतलब अच्छे से हो गया। मैंने जो हलवा और चने आटा पूड़ियों का आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल एक भी पेड़ा नहीं बचा। और हलवा और चने बचे हैं, आधी कटोरी चने हैं और आधी कटोरी हलवा, ये खिल रहे हुए हैं। चने इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं, बिल्कुल थोड़े से ही बचे हैं, एक कटोरी होगी ज़्यादा। मिस्टर बजाज बना रहे हैं चाय और मेरी पूड़ियाँ बिल्कुल ठंडी हो गई थी, अभी मैंने आधी पूड़ी खाई थी, कंच के और आ गई थी, तो मैंने अभी पूड़ी खाई है और मिस्टर बजाज चाय बना रहे हैं। चाय पी के करूँगी बर्तन वगैरह, किचन वगैरह बिल्कुल, किचन हो गई है बिल्कुल क्लीन और यहाँ बर्तन वगैरह भी हो गए हैं सारे, अभी गीले हैं, बाद में इनको लगाऊंगी स्टैंड्स में। और हो गया है गाइस, थकावट हो चुकी है बहुत ज़्यादा। सो गाइस थकावट हो चुकी है बहुत ज़्यादा, सो अभी बस मैं आके लेटी हूँ बेड पर, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और मैं उठी थी 7:15 बजे उठ गई थी, रात को नींद भी नहीं आ रही थी, आधे आधे घंटे बाद जाग खुल रही थी पता नहीं क्यों। और अब हो चुके हैं 11:30, एक तरह से मैंने 7:30 काम करना स्टार्ट कर दिया था। और नहाई धोई, हलवा बनाया, चने बनाए, आटा गूंदा, पूड़ियाँ बनाई, पूड़ियाँ तो साथ साथ बनाती होती हूँ मैं जैसे जैसे कंच के आती हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। मतलब मन को ना एक सुकून सा मिलता है, नहीं तो मन में ना यही रहता है पता नहीं कंजक आएगी या नहीं आएगी यहाँ पर। तो बहुत अच्छे से, लास्ट टाइम भी बहुत अच्छे से हुआ था सब कुछ, पर लास्ट टाइम इतना बचा था कि सभी ने खुला खाया था, कहने का मतलब बाद में भी, बस इस बार बचा नहीं है कुछ भी, बस थोड़े से चने बचे हैं और हलवा आधी कटोरी बचा है। तो कहने का मतलब सब कुछ अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। और अब थकावट हो चुकी है मुझे, 7:30 लगी थी, 11:30 हो गए, सो अब करूँगी रेस्ट। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। सो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय गाइस।